डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर वन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसके कंसेप्ट समझे थे और एक क्वेश्चन भी करके देखा था। लेक्चर नंबर टू में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो समझा था, उसके कंसेप्ट समझे थे। आज हम इस चैप्टर यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो जनरल एंट्रीज आती है उनका कंसेप्ट समझेंगे। पर एक बात बता दूं कि मैं हर बार एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको मेरा लेक्चर तभी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। पहली बात, जब मेरे सभी लेक्चर आप ऑर्डर में देखोगे, क्योंकि हर लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं। एक दूसरी बात, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन सामने होना चाहिए। अगर क्वेश्चन सामने नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो ऊपर चले, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन खुला रहे, क्वेश्चन में पढ़ते रहे, वीडियो देखते रहो तो जल्दी समझ में आएगा। तो जनरल एंट्री के कंसेप्ट शुरू करेंगे तो उसके लिए ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊं। क्लास 11th में हमने एक चीज सीखी थी कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, वही रूल यहां भी चलेगा। जब भी कोई एक्सपेंसेस आ जाए तो उसको डेबिट करना है। अगर उसका पेमेंट कैश में हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन यहां पर फंडामेंटल पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो 11th में नहीं मिली थी। वो क्या है वो समझा रहा हूं। वो ये है कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है, यहां पर पेमेंट किसी एक्सटर्नल को नहीं करना है। जो कैश हो तो कैश को क्रेडिट करे, चेक से हो तो बैंक को क्रेडिट करे। पेमेंट पार्टनर्स को होना है तो पार्टनर्स को पेमेंट कैश में नहीं होता, चेक से नहीं होता, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए जब भी कोई एक्सपेंसेस आए तो एक्सपेंसेस तो अपनी जगह डेबिट होगा ही, लेकिन क्रेडिट कैश या बैंक नहीं होगा, क्रेडिट होंगे पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स। ये पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट जो क्रेडिट होंगे, ये इंडिविजुअल अकाउंट होते क्या है ये अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं। तो पहला कंसेप्ट बताया कि फंडामेंटल पार्टनरशिप के अंदर जब हम एंट्रियां करेंगे रूल वही चलेंगे जो 11th के थे। एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं तो यहां भी डेबिट करना है। बस नई चीज यहां पे, ये रूल वही है, बस नई चीज ये आ रही है कि वहां पे जब भी कोई एक्सपेंस आता था तो क्रेडिट में कैश या बैंक आता था, पर यहां पे क्रेडिट में पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स आएंगे। पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप, इंडिविजुअल अकाउंट को क्लियर करूंगा। पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप की होती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ये पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, इसका मतलब क्या, फ्लक्चुएटिंग होती है इसका मतलब क्या, ये मैं आने वाले लेक्चर में क्लियर करूंगा, पर उसका एक छोटा सा पार्ट यहां मैं क्लियर कर रहा हूं। बस जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो पार्टनर्स को जो भी चीजें देनी है वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट यानी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, पर यहां पे एक छोटी सी बात सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। जो चीजें पार्टनर्स को देनी हो वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो चीजें अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो तो उस केस में पार्टनर को जो भी चीजें देनी है वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ना बताया हो कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा, यानी पार्टनर से कनेक्टेड चीजें उनके कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। ठीक, तो ये जनरल रूल पहला बताया, एक्सपेंसेस डेबिट होते उस क्रेडिट क्या होता है ये कंसेप्ट बताया। ये पहला कंसेप्ट यहां खत्म हुआ। दूसरा कंसेप्ट वही 11th वाला कंसेप्ट है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो सभी ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, वो यहां भी होगा। यहां पे फाइनल अकाउंट में एक तीसरा अकाउंट भी आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में बताया था क्या होता है,
अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री की जाएगी। अगर कोई चीज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और उसकी एंट्री होगी। ये दूसरा कंसेप्ट क्लियर किया। कुल मिलाकर मैंने आपको दो कंसेप्ट के थ्रू ये बताया कि अगर कोई एक्सपेंसेस आ जाए तो उसकी एंट्री करनी है, कैसे करनी है अभी बता दी। फिर सिर्फ एक्सपेंसेस की ही एंट्री नहीं करनी है, उसको पीएनएल या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री भी करनी है। दूसरी बात बताई। तीसरी बात, अगर पीएनएल अकाउंट में फाइनली प्रॉफिट बच रहा है तो दो एंट्रियां और होगी। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, पहली बात तो ये, एक्सपेंसेस की दो एंट्रियां तो हमने पहले ही कर ली, उसके आगे अगर प्रॉफिट दिया है तो और भी एंट्रियां होगी। प्रॉफिट दिया हो तो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो फाइनली जितना प्रॉफिट बचेगा एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद, फाइनली जितना प्रॉफिट बचेगा वो पीएनएल अकाउंट में से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो फाइनली प्रॉफिट बचेगा, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, उसको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, उसकी एंट्री भी होगी। यानी प्रॉफिट दिया है तो दो एंट्रियां और आगे चलेगी। एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके, रिपीट कर रहा हूं पूरी बात, एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके जो फाइनली प्रॉफिट बचा वो पीएनएल में से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी। कैसे होगी अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट फाइनली बचेगा, जिसको डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं, उसको पार्ट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे कनेक्टेड एंट्री होगी। कैसे होगी वो अपने क्वेश्चन में समझेंगे। और अगर पीएनएल अकाउंट में फाइनली प्रॉफिट ना बचते हुए पीएनएल अकाउंट में लॉस आ रहा है, अगर लॉस आ रहा है तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। तो फिर जो पीएनएल में लॉस आया है वो डायरेक्ट पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पीएनएल से डायरेक्ट अब पार्टनर्स के अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होता है, अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके वहां डिवाइड नहीं करते हैं। कैसे वो अभी इस क्वेश्चन में पॉइंट आ रहा है वो भी समझाऊंगा। जितनी चीजें आ रही है क्वेश्चन के अंदर वो सब समझा रहा हूं, पहले जनरल समझा रहा हूं फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन इस लॉस वाले केस का एक एक्सेप्शनल है, एक एक्सेप्शन है। लॉस वाले केस का एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में लॉस आ रहा है और उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो फिर लॉस होते हुए भी पीएनएल में से अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करके और एंट्रियां करके डिविजन पर प्रॉफिट लॉस जो आए वो पार्टनर में डिवाइड करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। यानी कभी कभी लॉस पीएनएल में से अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर होता है। कब होता है? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हो। क्यों होता है ऐसा? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला केस लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो, उस क्वेश्चन में जाके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, उसको बहुत डिटेल में लूंगा मैं बाद में आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल तो क्वेश्चन पढ़ के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एंट्रियां करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, अनुपम भावेश एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1। अनुपम एंड चेतन आर गिवन एन अमाउंट ऑफ 80,000 एंड 1,00,000 रिस्पेक्टिवली ऑन July 1, 2017 बीइंग अ लोन टू द फर्म। अनुपम एंड चेतन ने फर्म को लोन दिया है। तो मैं आपको इस लोन के इंटरेस्ट के बारे में एक रूल समझा रहा हूं, वो ध्यान से समझ लेना। जब फर्म में लोन आ जाए तो उसके इंटरेस्ट के बारे में एक रूल जो होता है वो समझा रहा हूं। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे या एडवांस दे, दोनों का मतलब एक ही है, पहले तो ये समझ लेना। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है मतलब वो लोन ही है, लोन दिया है तो भी बात वही है। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट के बारे में रूल क्या है वो समझ लो। अगर पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट के बारे में कोई एग्रीमेंट है तो वो रेट जो एग्रीमेंट में है वो रेट अप्लाई होगी, उस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट है तो। और अगर पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट का नाम है, इस एक्ट के अंदर
रूल्स अप्लीकेबल इन अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिए हुए हैं, रूल्स अप्लीकेबल इन अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड दिए हुए हैं। उसके अंदर एक बात कही गई है कि अगर पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट के बारे में कोई एग्रीमेंट ना हो तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। अगर पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट के बारे में एग्रीमेंट नहीं हो तो 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देना है, एग्रीमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक, तो यहां पर दो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ये बात पक्की है। इंटरेस्ट लोन की एंट्री होगी, ये बात पक्की है। किस रेट से होगी तो उसके लिए अगला पैरा पढ़ लो। नेक्स्ट पैरा है, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना है। अगर ये पैरा नहीं होता, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया कि रेट नहीं दी होती तो 6% अप्लाई करते। अगला पैरा पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो क्वेश्चन में हमको एंट्रियां करनी है, तो एक ही एक्सपेंसेस आया है उसी की एंट्री करनी है हमको। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंसेस है, डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट किया। और पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग मानते हुए इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टू अनुपम्स कैपिटल अकाउंट, टू अनुपम्स कैपिटल अकाउंट, एक और नाम दिया हुआ है चेतन, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू चार जो लिखो। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन अगर पढ़ के देखें तो वहां पे दिया हुआ है अनुपम एंड चेतन गिवन एन अमाउंट ऑफ 80,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन July 5, 2017 बीइंग अ लोन टू द फर्म। दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कब दिया है लोन? जुलाई में। जुलाई से मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दी हुई है क्वेश्चन में, सेकंड पैरा में। तो अनुपम को 80,000 पर 12% की रेट से 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, कैलकुलेशन जैसे बोर्ड पे लिखी है ऐसे करेंगे। चेतन को 1,20,000 पर 12% की रेट से 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 7,200 and 10,800, टोटल हो गया 18,000, ये लिख दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंसेस है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है, इसलिए पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन नरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड, तो इंटरेस्ट का अमाउंट है 18,000, ये लिख दिया। ठीक, वैसे तो क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है, पहले लिख लो तो मैं आगे समझाऊं। देखे वैसे तो क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है, पर यहां पे दो एडिशनल चीजें पूछी हुई है वो हम पढ़ रहे हैं। तो रेड इंक का फर्स्ट पैरा पढ़ लीजिए, इन दी अबव क्वेश्चन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेंट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, देन व्हाट विल बी चेंज इन द एंट्रीज। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह रेंट देना होता तो क्या चेंज आता? तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंसेस है, लेकिन रेंट भी तो एक एक्सपेंसेस ही है, तो फर्क क्या पड़ता? जहां इंटरेस्ट लोन आया है वहां पे रेंट आ जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट लोन की जगह रेंट लिख लेते। जैसे इंटरेस्ट लोन एक चार्ज है, रेंट भी वैसी चार्ज है। जैसे इंटरेस्ट लोन को पीएनएल में डेबिट में ट्रांसफर किया था, रेंट होता तो रेंट ट्रांसफर करते, इंटरेस्ट लोन की जगह रेंट लिख देते। तो इस पॉइंट को देने के पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि भाई सिर्फ इंटरेस्ट लोन ही पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता है, कोई सा भी चार्ज हो वो चार्ज ट्रांसफर होगा और इंट्रियां वैसे ही होगी। आप ये पॉइंट देने का ऑब्जेक्ट ये कि इंट्रियां वैसे ही होगी।
इंटरेस्ट के रेंट भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, ठीक। तो ये पहली बात जो उन्होंने एडिशनल पूछी थी वो समझा दी। दूसरी चीज पढ़ें, इफ इन द अबव क्वेश्चन प्रॉफिट इज गिवन देन व्हाट विल बी चेंज इन इंट्रीज। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाता तो क्या चेंज आता? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होता तो हमको देखना पड़ता कि जो भी प्रॉफिट दिया है इंटरेस्ट एंड लोन की एंट्री करने के बाद फाइनली क्या प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को आप प्रोफेशन में ट्रांसफर करते, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते। ट्रांसफर की एंट्री भी होती तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी होती। तो क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड ऑल्सो प्रॉफिट अमाउंट विल बी इन केस फर्स्ट इज 50,000। अगर प्रॉफिट दिया होता और अगर 50,000 प्रॉफिट होता तो एंट्रियों में क्या चेंज आता, ये पूछा है। तो क्या पूछा है, कितना प्रॉफिट होता? 50,000 अगर प्रॉफिट होता। अगर क्वेश्चन में 50,000 प्रॉफिट है और अभी जो एक्सपेंस आया था वो कितना है, 18,000। 50,000 प्रॉफिट में फॉर्म चल रही है, 18,000 एक्सपेंसेस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? अभी फॉर्म में प्रॉफिट कितना है? 18,000 एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद कितना बचेगा? 32,000 बचेगा। तो 32,000 प्रॉफिट बचेगा, लॉस नहीं, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट पीएनएल में से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। अब एंट्री के बारे में समझते, तो याद करो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में कहां आता है। 11 की बातें याद करो, नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में कहां आता है, डेबिट में। लेक्चर 1 में सिखाया था कि नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में कहां आता है, क्रेडिट में। पीएनएल अकाउंट डेबिट में नेट प्रॉफिट आता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में आता है। तो एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट हुआ 32,000, केस सेकंड नहीं, अभी ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी केस सेकंड नहीं। अब ये 32,000 पार्टनर्स में डिवाइड भी होगा। तो याद करो लेक्चर 1 में जो प्रॉफिट डिवाइड करते थे वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां लिखते हैं, डेबिट में। तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुपम्स कैपिटल अकाउंट टू भावेश कैपिटल अकाउंट टू चेतन कैपिटल अकाउंट बीइंग नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बीइंग वर्ड लगाओ नहीं लगाओ मर्जी आपकी है। तो 32,000 प्रॉफिट है पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन की फर्स्ट लेयर में 3:1 रेशियो दिया है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग 32,000 जब डिवाइड करेंगे तो 16,000 10,667 एंड 5,333 डेसिमल में आ रहा था, राउंड अप करके लिख दिया। तो ये केस फर्स्ट खत्म हुआ। तो आगे समझ रहे हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पढ़े, अगर प्रॉफिट कितना हो, 10,000। अगर 10,000 प्रॉफिट होता तो एंट्रियों में क्या चेंज आता, ये हमसे पूछा गया है। अगर फर्म 10,000 प्रॉफिट में चल रही है और इधर इंटरेस्ट एंड लोन का एक्सपेंसेस आ गया 18,000, 10,000 प्रॉफिट में चल रही है और एक्सपेंसेस हो गया 18,000, तो फाइनली क्या बचा, 8,000 क्या बचा, लॉस। अगर लॉस हो रहा है फाइनली तो पीएनएल अकाउंट में से अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्ट पीएनएल में से एनडी पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी पीएनएल नहीं, लॉस है ना, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाएगा। जैसे पिछली बार हमने प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर किया था, है ना, ठीक है। अब केवल लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरे ढंग से अगर समझाऊं तो नेट लॉस पीएनएल में कहां आता है, क्रेडिट में। तो पीएनएल तो क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स को क्या करोगे, डेबिट। एक और ढंग से अगर समझाऊं तो जो जो चीजें पार्टनर्स को देनी होती है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है,
जो लेनी होती है वो डेबिट होती है। तो लॉस का अमाउंट पार्टनर से लेना है तो उनके कैपिटल अकाउंट में से निकालना है वो पैसा, इसलिए पार्टनर से डेबिट होंगे। तो अनुपम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस हो रहा है 8000 का, 3:1 का रेशियो दिया है, उसमें अगर डिवाइड करें तो 4,000, 2,667 and 1,333। ठीक, तो इस ढंग से लॉस डिवाइड करके पार्टनर्स में डेबिट कर दिया हमने। तो यस बेटा, तो थर्ड केस में देखते कि क्या दिया हुआ है। तो थर्ड केस क्वेश्चन के लास्ट लाइन में पढ़िए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन ब्रैकेट में दिया हुआ है 15,000। ब्रैकेट में प्रॉफिट का मतलब क्या, लॉस है, माइनस में प्रॉफिट है, माइनस में मतलब लॉस है। तो फर्म माइनस में चल रही है, लॉस में चल रही है 15,000। अगर फर्म ऑलरेडी 15,000 लॉस में चल रही है और इधर इंटरेस्ट एंड लोन का एक्सपेंसेस आ चुका है 18,000, अब फाइनली क्या होगा, कितना लॉस हो जाएगा, यानी लॉस किस तरफ जाएगा, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। फर्म ऑलरेडी 15,000 के लॉस में चल रही है, इंटरेस्ट एंड लोन का एक्स में आने के बाद लॉस इंक्रीज हो जाएगा 15,000 प्लस 18,000, 33,000 का लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ है तो ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। तो लिखते हैं केस थर्ड, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अनुपम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर्ड, नेट लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस हो रहा है 33,000 का, और शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 3:1 में डिवाइड करने से 16,500, 11,5500 ये आ गया तीनों के हिस्से में लॉस। तो किसी को डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन यहीं ओवर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।